भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि हमारा लक्ष्य है देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना, और इसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमने संकल्प लिया है, मंत्र लिया है, उस मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए हमारे सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, हमारे सांसदगण, वहीं हमारे सभी अधिकारीगण भी लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। एक नई कार्य संस्कृति हमारे प्रदेश के अंदर आए हैं, और इसका एक सकारात्मक जो परिणाम है वह भी देखने को मिल रहा है कि प्रदेश में अब लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है। आज का एक कार्यक्रम भी हमारी जो विकास की नीति है, जो हमारे काम करने की ललक है, परिश्रम करना है, ये इसका एक उदाहरण है, जिसमें हम 100-200 करोड़ नहीं बल्कि 8200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी विकास काम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे पहले बाबा केदार की भूमि से कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक, तो उस दिशा में हमारे ये बढ़ते हुए कदम हैं। उनके जो शब्द हैं, उनके मुंह से निकले हुए उस शिव रूपी शब्द, वो वास्तव में आज हमको प्रेरणा भी दे रहे हैं, और भगवान की कृपा से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार वो धरातल पर उतर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास करने के लिए जो विकल्प रहित संकल्प है, जिसके बारे में आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अभी यहां से कहा, इस मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। और मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं एक बात जरूर आज इतने बड़े अवसर पर, कि हम केवल नारों पर विश्वास नहीं करते हैं, और मैं बहुत ज्यादा बोलने पर भी विश्वास नहीं करता हूं। मेरा ये मानना है कि बोलने से ज्यादा काम करना महत्वपूर्ण है, और अगर हम काम करेंगे तो हमें अपने मुख से नहीं बोलना पड़ेगा, अपने मुंह से नहीं कहना पड़ेगा, तब हमारा ये काम बोलेगा। और अभी आपने देखा कि कल भी यही देहरादून में एक बड़ी धनराशि 226 करोड़ रुपए की योजनाओं का हमने, प्रेमचंद जी ने, हमारे उमेश शर्मा काऊ जी ने एक बड़ा लोकार्पण और शिलान्यास किया। अभी टनकपुर में नितिन गडकरी जी आए थे, उनके साथ 2215 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन हुआ था। हरिद्वार में हम सब की उपस्थिति में, सारे विधायक, सारे आदरणीय मंत्रीगण, सभी लोग थे, उसमें लगभग 4700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास हुआ था। मातृशक्ति का पिछले दिनों हरिद्वार में कार्यक्रम हुआ था 12 फरवरी को, उसमें भी 1168 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ। चंपावत में 161 करोड़ की, अल्मोड़ा में 117 करोड़ की, पौड़ी में 828 करोड़ की, और रुद्रप्रयाग में 456 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ। इसके अतिरिक्त पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, सभी जगह पर अगर हम सभी जगह के जो लोकार्पण और शिलान्यास को जोड़ लें तो वह भी पिछले दो महीने में 10,000 करोड़ के लगभग इतनी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उसके बाद आज 8,000 करोड़ की धनराशि के 8,275 करोड़ की धनराशि के कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, और ये सब मिलाकर 18,000 करोड़ से ज्यादा हो गए। ये दर्शाते हैं कि हम उत्तराखंड को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम तेजी से विकास को धरातल पर उतार रहे हैं। भाइयों बहनों, हम अभी एक साथ दो मोर्चों पर काम कर रहे हैं। एक ओर हम उत्तराखंड को जैसा उत्तराखंड है उससे बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम प्रदेश को भविष्य के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, विकसित
और आने वाले समय में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस दिशा में काम कर रहे हैं। और साथ में जो हमारी मातृशक्ति है, हमारे नौजवान हैं, युवा हैं, वो सब रोजगार से जुड़े हैं, स्वरोजगार से जुड़े हैं, अन्य माध्यम से जुड़े हैं। इस प्रकार की योजनाओं को हम अपने नियोजन में ला रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।